गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से मिल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट में। क्लास टेंथ इलेक्ट्रिसिटी हम पिछले दिन शुरू किए थे और आज हम फिर से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है कुछ इलेक्ट्रिसिटी का टाइप्स। तो इलेक्ट्रिसिटी को है ना दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला आपका है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहला जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और दूसरा जो टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप्स, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हम लोग समझते हैं स्टैटिक। स्टैटिक कहने का मतलब, स्टैटिक करने का मतलब स्टेशनरी। स्टैटिक करने का मतलब स्टेशनरी, मतलब कि वैसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो रिमेन्स स्टेशनरी हो, मींस रेस्ट में हो, स्थिर हो, उसमें मूवमेंट ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो दे कैन नॉट मूव। हम यहाँ लिखे भी हैं कि दे कैन नॉट मूव। वो मूव, वो चार्ज जो होगा, जो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो मूव नहीं करेगा। उसका कुछ एग्जांपल हम लोग लास्ट क्लास में देखे भी थे। पहला एग्जांपल हम जो बताए थे कि ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ, तो यहाँ पे हमें मिला था पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या मिला था? पॉजिटिव चार्ज। जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि जब हम इसको रब करेंगे ना तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। दूसरा हम लिखे हैं इबोनाइट रॉड को रब किया जाता है उलेन क्लॉथ के साथ। उलेन क्लॉथ, ठीक है। उलेन, उलेन का थोड़ा यहाँ पे उलेन, वुलन क्लॉथ के साथ हम लोग इसको रब करते हैं तो यहाँ पे मिलता है निगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या मिलेगा? निगेटिव चार्ज मिलता है। तो ये देखिए, ये तो ये इसका एग्जांपल इसलिए हुआ क्योंकि ये चार्ज जो था ये स्टेशनरी था, रेस्ट था, है ना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थे, है ना। और तीसरा भी जो एग्जांपल हम बता रहे थे लाइटनिंग, जो लाइटनिंग बरसात के समय में जो बिजली करकती है ना, बर्स जिसको ब्रजपात बोलते हैं, ठीक है, जब ठनका जब गिरती है ना, तो वो भी एग्जांपल आपका हो गया, आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल होता है। दूसरा है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब कि वैसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि वो मोशन में आए, उसमें मूवमेंट हो। मोशन करने का मतलब क्या होता है? मोशन करने का मतलब होता है, मोशन करने का मतलब हो जाता है आपका मूवमेंट। इसमें क्या हो? इसमें इसमें क्या हो? मूवमेंट हो। इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल का क्या हो? मूवमेंट होना शुरू हो जाए। तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें मूवमेंट हो उसको हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग कल के क्लास में, पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, है ना, और भी बहुत सारे जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। और बताए थे भी कि इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को इम्पॉर्टेंट सोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते किसको है? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको कहते हैं कि वैसा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसा पॉइंट है ना जहाँ पर कि वर्क डन हो, किसका वर्क डन हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन हो, ठीक है, वर्क डन किसका हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन हो फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसा पॉइंट है एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ होगा, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना एक एक पॉइंट पे होगा एट अ पॉइंट इन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट, उसी को बोलेंगे हम लोग वर्क डन। देखिए इसको हम लिखते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इन इज डिफाइंड एज इन डिफाइंड एज द वर्क डन in a unit positive charge from infinity to that point। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट पे है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन एज द वर्क डन, जो भी स्मॉल क्वांटिटी में जो भी वर्क डन होता है ना, तो ये वर्क डन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं है ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज में, तो ये वर्क डन होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट, इन्फिनिटी से लेकर डैट पॉइंट तक, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको डिनोट किसे किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाई वी, इट इज डिनोटेड बाई वी, ठीक है, एंड इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट, अब से कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ वन वोल्ट के बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ वन वोल्ट आपसे जब पूछे तो उसके बराबर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द वन वोल्ट मीन्स वन जूल ऑफ ए वर्क इज डन इन मूविंग अ वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट मीन्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ वन वोल्ट मीन्स व्हाट, मीन्स वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट। अगर आपसे पूछेगा वन कुलम्ब, अब इसी को दूसरे लैंग्वेज में अगर पूछा जाए है ना कि एक कुलम्ब के बारे में बताइए कि यूनिक एसआई जो बोलते हैं यूनिट ऑफ चार्ज कुलम्ब, किसी भी चार्ज का यूनिट, सिंस जो भी चार्ज का जो यूनिट होगा
कोई भी चार्ज का यूनिट कूलम होगा, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? उस केस में कहेंगे कि द इलेक्ट पोटेंशियल और वन वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स वन जूल ऑफ वर्क इज मूविंग वन कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर कूलम्ब के केस में, जैसे कि एस चार्ज जो होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। तो उस केस में कहा जाए तो आप कहिएगा कि वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग वन कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, वन कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट। दोनों केस जो हमने कहा है ना, दोनों केस, जैसे कि वन वोल्ट एट अ पॉइंट मीन्स बोला, तो वो भी समझ गए होंगे, और कूलम्ब के केस में जो हमने बताया वो भी समझ गए होंगे। तो अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे फिर से, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज, ऐसे कुछ डिफिनेशन लिखिएगा ना, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका मार्क्स कटने के चांसेस कम होंगे। ऐसे डिफिनेशन जब लिखा जाता है स्टेटमेंट में तो मार्क्स बहुत कम कटते हैं, ठीक है। इज डिफाइंड एज पहले समझते हैं क्या होता है। इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो भी वर्क डन हम लोग करते हैं, है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, ठीक है, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें क्या था? इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था? इन्फिनिटी टू डैट पॉइंट। लेकिन इसमें क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग चार्ज, इन अ मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। फॉर मूविंग अ, जैसे कि देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, कोई भी एक यूनिट चार्ज होता है ना, किसी का छोटा सा कुछ चार्ज होता है ना, एक कूलम दो कूलम कुछ यूनिट चार्ज होगा, है ना, तो उसी का जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द अमाउंट The amount of work done in moving a unit charge from infinity. Sorry, from 1 point to another
पॉइंट, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। इसको लिखें कैसे, इसका डिफिनेशन थोड़ा समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो एक मिनट ले लीजिए। देखिए अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखेंगे सर। पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन, वर्क डन बाय, देखिए ये जो वर्क डन हमने किया था ये क्या क्या था, किसके बाद, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ क्या, किसका, क्वांटिटी ऑफ मूविंग चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ये भी लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, मतलब जितना क्वांटिटी चार्ज का, जितना भी क्वांटिटी होगा वो जितना मूव करेगा उसके बाय कर देंगे किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। देखिए इसको और भी लिखते हैं, जैसे कि इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं ना, भी से, तो भी बराबर हो जाता है डब्लू बाय क्यू, ये यहाँ पे आया, ठीक है। क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड क्यू है, वर्क डन को W से दिखाएं और पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखा दिए, तो ये फॉर्मूला इसी से आया, ये फॉर्मूला जो है इसी से आया, ठीक है। तो अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट आपसे पूछे तो क्या होगा, सिंपल सा वोल्ट होगा, है ना। जो जो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े हम लोग उसी, उसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट था, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, वोल्ट होगा, ठीक है। तो इतना चीज हमने आज जाना, इसको भी डिनोट करते हैं भी से, ये सब तो बता चुके हैं हम लोग। तो अब देखिए, अब देखिए, अब आपसे पूछेगा, किसी कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है, वही चेक कर रहे हैं हम कमेंट। अच्छा और पढ़िए आगे, समझ में आएगा, और जो भी डाउट होगा उसको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को एक और लैंग्वेज में क्या कहा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक और लैंग्वेज में क्या कहा जा सकता है वो देखते हैं हम लोग। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस को एक और लैंग्वेज में बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी, इसको और क्या कह सकते हैं, सेड टू बी वन वोल्ट, वन वोल्ट, इफ If, इसको वन वोल्ट बोल सकते हैं ना, वन वन वोल्ट, इफ इफ वन जूल ऑफ वर्क, इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब वन जूल ऑफ वर्क इज डन, इसको वन
वर्क का ऐसा ही वर्क डन जो भी होता है उसको हम लोग जूल में दिखाते हैं। हाँ, यहाँ भी मान लीजिए वन है, ठीक है, यहाँ भी मान लीजिए वन है, ठीक। तो हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी वन वोल्ट इफ इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग वन यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर इसको एक और बोल सकते हैं, चार्ज को हम लोग कूलम से दिखाते हैं, या मूविंग क्या थे बोल देते मूविंग मूविंग वन कूलम कूलम का था कूलम कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर वन पॉइंट टू द अदर लिख दीजिए, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम लोग सी से दिखाते हैं, कूलम से, है ना। तो ये डिफिनेशन को एक बार और अच्छे से समझेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी वन वोल्ट इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग वन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वन वोल्ट, इसको देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स इज सेड टू बी वन वोल्ट, इसको वन वोल्ट बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसको भी से दिखाते हैं, भी मतलब वोल्ट भी को दिखाए हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी जो हुआ, इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, वोल्ट ही तो हुआ, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट ही ना हुआ। तो वन वोल्ट इफ वन जूल वर्क डन जो भी होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल में हम लोग दिखाते हैं। तो वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग वन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये था आपका क्या था, ये आपका था पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दीजिए वन वोल्ट बराबर वन जूल बाय, क्या लिख सकते हैं, वन कूलम लिख सकते हैं ना, वन वोल्ट बराबर वन जूल बाय वन कूलम। इसको हम लोग वन वी वन जे वन सी दिखा सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, वन वोल्ट बराबर वन जूल। ये डिवाइड में है, अगर हम इसको साथ में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ना, देखिए तो माइनस वन कि ये जो हम लिखा वन जूल पर कूलम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर हम इसको साथ में लिखने के लिए जब साथ में लिखा जाता है तो ये डिवाइड में होता है, तो ऊपर एक माइनस वन आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज़ से मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वो मेजर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। देखिए ये भी लिख लेते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय वन वोल्ट को डिफाइन करना है, तो वन वोल्ट बराबर ऐसे डिफाइन
ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। 1 वोल्ट को जब डिफाइन करने के लिए कहेगा तो ऐसा डिफिनेशन लिखेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको पढ़ाने के बाद आप NCERT से, एसचंद बुक से, एसचंद में तो बहुत सारा सवाल होता है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ सवाल में भी दिक्कत हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट 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 मीटर। हाँ सही तो लिख रहा था, वोल्ट मीटर। ये मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको कि हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग आज पढ़े हैं, है ना। उसके पहले पर हम लोग उसका टाइप्स, है ना, क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स में, स्टैटिक और करेंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करेंट इलेक्ट्रिसिटी, वो अच्छे से समझे। फिर हम लोगों ने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, आप बना सकते हैं, बहुत सारे सवाल इस पर हैं, इसको आप लोग कीजिएगा। तो अगर पढ़ाई पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन होगा उसको क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको मेरा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, है ना। अगर पढ़ाई पसंद आया हो तो ज़रूर अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज करके पढ़िए और पढ़कर समझिए, है ना, जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और चलिए तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। चलिए, जय हिंद।